जैसा कि हमने ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया हुआ है, प्रीवियस चंद वीडियोस में हमने ऑपरेटर्स के बारे में ही स्टडी किया, आज की इस वीडियो में भी हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है, वो लेट्स सी, एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़ एंड जनरेट द बुलियन रिजल्ट। बुलियन रिजल्ट मीन ट्रू और फॉल्स। ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो इन सी लैंग्वेज। सो इफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड ट्रू देन इट विल रिटर्न वन एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड फॉल्स देन इट विल रिटर्न जीरो। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली कंपेरिजन के लिए यूज़ होते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद जो है वो बुलियन रिज़ल्ट जनरेट करते हैं। बुलियन रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी या फॉल्स रिटर्न होगी, और ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है सी के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है वन या ज़ीरो से। अगर तो एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगी ट्रू देन वन रिटर्न होगा, और अगर वैल्यू जो है एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स एवेल्युएट होगी देन ज़ीरो वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। सो रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है उसमें एवेल्युएट अगर ट्रू हो रही है वैल्यू तो इट मींस के वन रिटर्न हो रहा है, और अगर फॉल्स एवेल्युएट हो रही है तो इट्स मीन के ज़ीरो वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है। ये रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑपरेटर जो हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें सी के अंदर अवेलेबल हैं, उनकी हम जो है एग्जांपल भी देखते हैं और देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इक्वल के लिए, इक्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास डबल इक्वल साइन जो है वो अवेलेबल है, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है इक्वालिटी को कंपेयर करता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इट्स मीन के 9 इज़ इक्वल टू 5, इट विल एवेल्युएट 0 और आपको रिटर्न जो वैल्यू होगी वो 0, क्योंकि 9 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। सेम इस तरह नॉन इक्वल के लिए हमारे पास जो है एक्सक्लेमिनेशन साइन और इक्वल को हम यूज़ करते हैं, जो कि नॉट इक्वल की कंडीशन को चेक करता है। इट्स मीन कि 8 इज़ नॉट इक्वल टू 7, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है रिलेशनल दैट विल एवेल्युएट ट्रू बिकॉज 8 इज़ नॉट इक्वल टू 7 और ये आपको 1 रिटर्न करेगी। इसी तरह ग्रेटर दैन के लिए हमने चेक करना, तो ग्रेटर दैन का साइन हमारे पास अवेलेबल है, और अगर इसकी एग्जांपल देखें 6 इज़ ग्रेटर दैन 3 तो इट्स मीन कि दैट इज़ आल्सो एवेल्युएट ट्रू और आपको 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन के एवेल्युएट होने की सूरत में रिटर्न होगा। इसी तरह लेस दैन के लिए हमारे पास लेस दैन ऑपरेटर अवेलेबल है, और इसकी एग्जांपल अगर हम चेक करें तो 4 इज़ लेस दैन 2, इट्स मीन ये एक्सप्रेशन जो है एवेल्युएट होगी फॉल्स और आपको इस एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट में आपको 0 जो है वो रिटर्न होगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो एवेल्युएट होगी इसकी एवेल्युएशन के बाद आपको 0 रिटर्न होगा बिकॉज दैट इज़ फॉल्स। और इसी तरह ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू को अगर आपने चेक करना हो तो हमारे पास जो सिंबल अवेलेबल है ग्रेटर दैन एंड इक्वल साइन जो है वो अवेलेबल है। ग्रेटर दैन और इक्वल टू जो है वो आपको ग्रेटर को भी चेक करेगा और इक्वालिटी को भी चेक करेगा। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो 6 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 9 बट दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि 6 जो है ना तो वो बड़ा है और ना ही वो इक्वल टू 9 है, सो दैट एक्सप्रेशन विल रिटर्न 0 बिकॉज फॉल्स। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर अवेलेबल है दैट इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू साइन जो है वो हम यूज़ करते हैं, और ये जो कंपैरिजन करेगा दैट विल बी अ लेस दैन और इक्वल टू को जो है वो चेक करेगा। हमारे पास जो एग्जांपल है 2 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 2 तो इट्स मीन के इक्वल टू की कंडीशन जो है दैट इज़ सेटिस्फाइड, इट्स मीन के एवेल्युएट 1 और रिटर्न 1 रिटर्न होगा इस एक्सप्रेशन की एवेल्युएशन के नतीजे में हमारे पास जो रिजल्ट रिटर्न होगा दैट इज़ 1। अब हम एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो किस तरह वर्किंग करते हैं। हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जिसमें जो है इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे और इसकी एग्जीक्यूशन को देखेंगे, और इस एग्जीक्यूशन के नतीजे में हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे,
कंपाइल करने के बाद फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, मेमोरी के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए और एक एक्स उसमें हमने 5 वैल्यू इनिशियलाइज़ की और सेकंड वेरिएबल इज़ ए वाई और उसमें हमने 10 वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज़ की। तो ये मेमोरी वेरिएबल जो है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुए। उसके बाद कंपाइलर ने नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड किया और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने आउटपुट यानी कि प्रिंट आउट किया और उस प्रिंट आउट में हमने कंपैरिजन किया कि एक्स की वैल्यू जो है दैट इज़ ग्रेटर देन वाई। तो एक्स इज़ ए 5 एंड वाई इज़ ए 10। तो 5 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो एवेलुएट होगी फॉल्स और उसके नतीजे में हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट आउट होगी दैट इज़ 0, क्योंकि फॉल्स वैल्यू रिट्रीव हुई है और फॉल्स के नतीजे में हमारे पास 0 जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने जो स्टेटमेंट जो रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज़ किया है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो वाई के इक्वल नहीं है, यानी कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10 दैट इज़ ट्रू। तो इट्स मीन के हमारे पास जो है 1 प्रिंट होगा क्योंकि ट्रू वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक्स की वैल्यू जो है दैट इज़ लेस देन वाई, यानी कि 5 इज़ लेस देन 10, तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है एवेलुएट होगी और इस नतीजे में हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट इज़ 1, क्योंकि जो है एक्सप्रेशन एवेलुएट ट्रू होगी। उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने जो स्टेटमेंट लिखी है कि एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल टू वाई है, तो इट्स मीन के 5 इज़ इक्वल टू 10 दैट इज़ फॉल्स। इट्स मीन के एवेलुएट ये रिलेशन एक्सप्रेशन जो एवेलुएट होगी इसकी वैल्यू हमें फॉल्स रिट्रीव होगी। इसी तरह नेक्स्ट कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें हमने जो रिलेशन एक्सप्रेशन यूज़ किया है यानी कि वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स है, तो इट्स मीन के 10 इज़ ग्रेटर देन 5 दैट इज़ ट्रू और हमारे पास जो वैल्यू रिट्रीव होगी दैट इज़ 1, यानी कि इस एक्सप्रेशन के एवेलुएट होने के नतीजे हमारे पास 1 जो है वो रिट्रीव होगा या प्रिंट आउट होगा। नेक्स्ट कंपाइलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जिसमें हमने कहा कि वाई की वैल्यू जो है दैट इज़ लेस देन एक्स, तो एक्स वाई की वैल्यू है दैट इज़ 10, 10 इज़ लेस देन एक्स, यानी कि 10 इज़ लेस देन 5 दैट इज़ फॉल्स और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा या जो इस एक्सप्रेशन की एवेलुएशन होने के नतीजे में हमारे पास 0 जो है वो प्रिंट आउट होगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन 0 रिटर्न करेगी। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ किया और उस उनकी वैल्यूज़ को जो है कंपेयर किया और उस कंपैरिजन के नतीजे में हमारे पास जो रिजल्ट रिट्रीव हुआ उसको हमने प्रिंट आउट किया। तो दैट इज़ रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, दो क्वांटिटी या दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन के नतीजे में हमारे पास जो है बुलियन रिजल्ट रिटर्न होता है, यानी कि इधर द वैल्यू विल बी अ ट्रू और फॉल्स, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और ट्रू वैल्यू जो है वो सी के अंदर 1 से रिप्रेजेंट की जाती है और फॉल्स वैल्यू को जो है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है।